नमस्कार, एंटरटेनमेंट स्वैग में आप सभी का स्वागत है। कपिल शर्मा के शो द कपिल शर्मा शो में कृष्णा अभिषेक के काम को भी काफी सराहा जा रहा है। फैंस का कहना है कि वो गुत्थी की कमी को पूरा कर रहे हैं। शो में अन्य को-स्टार्स की अपेक्षा कृष्णा को ज्यादा स्पेस दिया जाता है। कृष्णा अपनी कॉमेडी के अलावा मामा गोविंदा के साथ विवाद को लेकर भी खूब चर्चा में रहते हैं। हाल ही में कृष्णा ने गोविंदा के ऊपर फिर से निशाना साधा है। दरअसल शो के दौरान ही कृष्णा ने अपने मामा गोविंदा पर मजाक करते हुए तंज कसा। कृष्णा सपना के किरदार में शो की गेस्ट नीति मोहन से कहते हैं कि वे अपना मसाज पार्लर चलाते हैं। इसमें कई तरह के मसाज होते हैं। एक चाचा मसाज होता है, लेकिन इसमें चाचा नहीं मामा मसाज करते हैं। जबकि कपिल पूछते हैं ऐसा क्यों, तो कृष्णा कहते हैं कि मामा भांजे के लिए इतना कुछ करते हैं, भांजे को भी उनके लिए कुछ करना चाहिए ना। कृष्णा के मजाक से साफ था कि वे बात गोविंदा के लिए कह रहे थे। पहले भी गोविंदा और कृष्णा के बीच मनमुटाव की बात सामने आ चुकी है। पिछले साल जुलाई में कश्मीरा ने सोशल मीडिया के एक पोस्ट में लिखा था, लोग पैसों के लिए नाच रहे हैं। खबरों की माने तो एक बार गोविंदा पैसे लेकर कृष्णा के कॉमेडी शो में आए थे। इसी बात पर कश्मीरा ने गोविंदा को टारगेट किया था। कृष्णा ने अपने जुड़वा बच्चों का जन्मदिन मनाया था, लेकिन इस पार्टी में गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता नहीं पहुंचे थे। गोविंदा की पत्नी सुनीता ने एक बातचीत में कहा था, हमने उनसे दूरी बना ली है और ये कभी नहीं बदलने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, एंटरटेनमेंट स्वैग। बॉलीवुड से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाएं, ताकि हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।